अस्सलाम वालेकुम लवली फेलोज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर मुसीबत से बचा के रखे, आमीन। आज मैं आपको वीडियो का स्टार्ट तो अपने ये ख़ूबसूरत जेरेनियम से कर रही हूँ, और मेरे गार्डन में काफ़ी सारे जेरेनियम्स इस वक्त खिले हुए हैं, और पिटोनियाज खिले हुए हैं, कैलेंडुलाज हैं। तो ये देखें, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ, इसकी केयर भी बता चुकी हूँ आपको, और ये इसका पीक सीज़न है, इसका ग्रोइंग पीरियड है इसके फ्लावर्स का। और ये देखें, ये नेस्टर्शियम भी, ये देखें। तो आज मैंने आपको दिखानी है अपनी वाटरफॉल, जो कि मैंने नई ऐड की है अपने रूफटॉप गार्डन में, और मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छी लगेगी। उससे बहुत कूल, बहुत प्लेजेंट इफ़ेक्ट जो है वो आता है, और आप भी कोशिश करें कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्लांट्स के साथ ऐड करने की, जिससे आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती ऐड हो जाती है। तो चलें मैं दिखाती हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये है मेरी वाटरफॉल, जो कि मैंने बिल्कुल एंट्रेंस में ऐड की है, और ये इंतहाई कूल इफ़ेक्ट दे रही है। ये देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही कूल इफ़ेक्ट है इसका। और मैंने इसको एंट्रेंस सेटअप में ऐड किया हुआ है, इसका मैंने ये पूरा जो सेटअप बनाया हुआ है, इसमें नीचे मैंने अपने सब सक्यूलेंट्स ऐड किए हुए हैं, ऊपर पिटोनियाज और कैलन ये नेस्टर्शियम है, और मैंने इसे पूरा ये सेटअप बनाया हुआ है। मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ ये शेयर भी कर चुकी हूँ, और अभी स्प्रिंग की वजह से, फ्लावर्स की वजह से ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरी डक्स, इनको मैंने दोबारा पेंट किया है, ये पहले वाइट थी। इन सब प्लांट्स की केयर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सक्यूलेंट्स की भी, ये मेरा डिश गार्डन भी, और ये देखें, ये मेरा ब्रोकन पॉट का भी, ये भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा न्यू एडिशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।